तो ये शुभ भावना शुभ कामना एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये है तो सूक्ष्म, है तो गुप्त, लेकिन ये बहुत कारगर। पर आज के युग में हम देखते हैं कि लोग इस गुप्त शक्ति को बहुत कम पहचानते हैं। जैसे किसी के जीवन में कोई दुर्घटना घट जाती है, जीवन में कोई बुरा समय आ जाता है, तन का नुकसान हो जाता है, धन का नुकसान हो जाता है, संबंध का नुकसान हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? आमतौर पे भगवान को कहता है कि भगवान मैंने जिंदगी में कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे से भी ज्यादा ज्यादा पाप करने वाले लोग इस दुनिया में हैं, उनका सब कुछ ठीक ठाक है। तो वो व्यक्ति क्या करता है? भगवान से हिसाब किताब मांगता है। जैसे अपन किसी से उधार लेते हैं, किसी के यहाँ हमारा खाता चल रहा होता है, तो उससे हम भी तो इंक्वायरी करते हैं ना कि भाई कितना जमा कितना घटा, तो हम भी भगवान से इंक्वायरी करते हैं कि हमको बताओ ये हमारे कौन से पाप कर्म का फल है। और फिर हम अपने जीवन के ऊपर एक नजर डालते हैं तो देखते हैं हमने तो ऐसा कोई पाप किया ही नहीं जो इतनी बड़ी सजा मिले। छोटा मोटा किया होगा लेकिन ये सजा तो बड़ी भारी है। तो अब हम भगवान के हिसाब में गलती निकालते और अपना हिसाब हम ठीक मानते, लेकिन वास्तव में भगवान के हिसाब में तो गलती हो नहीं सकती। और हम जो कह रहे हैं गलत वो भी नहीं। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि हमने आज तक यही सोचा कि जो कर्म है केवल उसी का जमा घटा होता है, लेकिन जो सोचते हैं वो भी जमा घटा में लागू होता है, ये बात तो गहराई से सोची ही नहीं। मान लीजिए किसी ने मन में सोचा कि मैं वो कर्म से बदला लूंगा और बदला लिया है, तो कर्म तो नहीं किया लेकिन संकल्प तो किया। और अगर संकल्प भी किया तो क्या होगा? उसका लेपछेप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और अगर ऐसे संकल्प हम बार बार करते हैं तो क्या होगा? वो जमा का बहुत बड़ा खाता बनेगा कि नहीं बनेगा? गलत संकल्पों के जमा का खाता। और फिर एक दिन वो बड़ा सा परिणाम लेके आए तो फिर हम अपना हिसाब जोड़ेंगे तो हमको लगेगा हमने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं ये कहाँ से निकल आए। लेकिन इस प्रकार की जो सोच, चाहे वो बदले की हो, चाहे वो नफरत की हो, चाहे वो चिंतन की हो, कोई भी, वो भी खाते में लगती है। रामायण में इसका एक बहुत सुंदर मिसाल दिखाती है। रामायण भी यादगार शास्त्र है ना, तो जैसे बाबा कहते हैं गीता में आटे में नमक मिश्रण सच्चाई, इन शास्त्रों में आटे में नमक मिश्रण सच्चाई जरूर है। जिसको हमें पकड़ना है और उससे फायदा उठाना है, तो दिखाते हैं कि जब सीता जी को वन में भेज दिया गया और पीछे से श्री रामचंद्र जी को यज्ञ करना था, तो यज्ञ के लिए सीता जी की आवश्यकता थी। वन में किसी ने सीता जी को ये समाचार सुनाया और सुनाने के बाद कहा कि हमने सुना है कि श्री रामचंद्र जी दूसरी शादी कर रहे हैं। अब सीता जी को बहुत बुरा लगा कि मैं तो पति व्रता हूं, क्या वो पति पत्नी व्रता नहीं हो सकते?
और मन में कई तरह के विचार आए। कुछ समय के बाद किसी ने सीता जी को सुनाया कि श्री रामचंद्र जी ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो पत्नी वर थे और उन्होंने सोने की सीता बना करके अपने यज्ञ को पूर्ण आहुति दे। तब सीता जी अपने गुरु के पास गई और कहा कि मेरे मन में एक बुरा ख्याल है और मेरे को दोष लगता है। ये बुरा ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैंने सुनी सुनाई बात पे विश्वास कर, किसी ने ऐसे सुनाया था, कन्फर्म तो की नहीं, और सुनी हुई बात पे विश्वास करके इतना बुरा बुरा सोच लिया। तो ये जो मेरे को दोष लग गया, मैं इस दोष से कैसे बचूं? मुझे कोई उपाय बताइए, नहीं तो मेरा दोष अगली पीढ़ी तक भी जाएगा, क्योंकि पूर्वज जो गलत काम करते हैं उनका फल उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं इस दोष को अपने ही पुरुषार्थ से खत्म कर दूं और ये अगली पीढ़ी तक ना जाए। तो इतनी सूक्ष्म बात का भी ध्यान रखा गया है। तो हम सब अपने जीवन को देखें कि क्या अपने सूक्ष्म संकल्पों में जो बातें आती हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं, क्या उनका भी चार्ट रखते हैं? अभी पानी में नहीं आए, पानी पर लकीर की तरह आए, लेकिन वो भी हमारा समय ले गई। कल की मुरली में बाबा ने बोला संगम युग का एक सेकंड भी एक घंटे के बराबर है। तो अगर एक सेकंड के लिए भी ऐसी कोई नेगेटिव थिंकिंग आती है तो कुछ सेकंड तो मन बाबा से दूर हो ही जाता है और कमाई में तो घाटा लग ही जाता है। तो इसलिए कर्मों की गहन गति कहती है हम अपने सूक्ष्म संकल्पों के ऊपर भी बहुत सूक्ष्म